नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। बैंक अधिकारी बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को भोपाल की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। एएसपी रश्मि मिश्रा के मुताबिक आरोपियों की पहचान बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले रवि गुप्ता और राजेश कुमार के रूप में हुई है। फरियादी गोकुल प्रसाद को आरोपियों ने फोन कर खुद को बैंक अधिकारी बताया था। गोकुल प्रसाद को एटीएम ब्लॉक होने का झांसा देकर आरोपियों ने उनसे एटीएम और ओटीपी की जानकारी हासिल कर ली और पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 420(66)(DID) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है, जिससे और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। 2017 को फरियादी ने एक आवेदन पत्र दिया था क्राइम ब्रांच में कि उनसे एक फोन आया था और उसमें उनके एटीएम का नंबर पूछा था और ये कहा था कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, आप अपना एटीएम का नंबर दीजिए और आधार कार्ड का नंबर दे दें। इसके साथ में उन्होंने कहा था आपके पास में अभी कोई एक नंबर आएगा, वो नंबर भी आप बता दीजिएगा। तो फरियादी ने ये तीनों नंबर उन्हें बता दिए तो उनके अकाउंट से पैसे निकल गए थे। इसके बाद फरियादी को ये लगा कि उनका एक अकाउंट से पैसे, एक एटीएम बंद हो रहा है, कहीं दूसरा भी ना हो जाए। उनके बच्ची के नाम एक और एटीएम था तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे एक और एटीएम है, कहीं वो भी तो बंद नहीं हो जाएगा। इस पर आरोपियों ने कहा कि हाँ, आपका वो भी बंद हो जाएगा, आप उसका भी नंबर दे दें। और ऐसा करते हुए दोनों अकाउंट से लगभग 74,000 रुपये, 74,500 रुपये के आसपास उनके दोनों अकाउंट में से पैसे निकाल लिए गए। जब इसको जांच में लिया गया तो आगे ये हुआ कि आइडिया मनी, SBI बड़ी, ओला कैब, पेयू और CUB बैंक, ये इन पांच में उनके पैसे जाना जो अकाउंट में दिखा। फिर इसको आगे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो अकाउंट नंबर्स, जिन जिन अकाउंट्स में गया, किस किस माध्यम से गया है, कहां कहां पे हुआ है और उसके जमानतदार कौन है, किन किन नंबरों की है, ये सारा पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया। तो इसमें एक पटना का नंबर आया था, तो पटना के नंबर, अकाउंट नंबर को जब जाँच की गई तो पता चला कि ये जो रवि कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता है, इन लोगों ने उनके अकाउंट में पैसे डाले हैं। इस आधार पे जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया एक मुन्ना बरनवाल है जो कि कोडरमा जिले का रहने वाला है, वो इसका मेन जो मास्टरमाइंड है वो है। और उसके अकाउंट में काफ़ी सारे लगभग 36,500 रुपए गए हैं और 26,000 रुपए ये जो दोनों आरोपी पकड़ाए हैं, रवि कुमार गुप्ता और राजेश कुमार गुप्ता, इनके अकाउंट में गए हैं। इनके ये लोग इसी तरह से करते हैं, दिन में लगातार रैंडमली कुछ नंबरों को फ़ोन करते रहते हैं और जो भी उसमें फंस जाता है तो उनसे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे जमा करवा लेते हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।